बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहले बैतिहि व सहबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ताला ने कुरान मजीद में पिछले ज़माने के लोगों के अहवाल और वाक़िआत बयान फरमाए हैं। कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा नबियों और उनकी कौमों के हालात पर मुश्तमिल है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब तौहीद और रिसालत की दावत लेकर दुनिया में मबऊस किए गए तो उनकी मदऊ कौम जिनकी तरफ वो मबऊस हुए थे उसने क्या रद्द अमल दिया, इस दावत को कबूल किया या इनकार किया। जिन लोगों ने दावत को कबूल किया उनका भी जिक्र अल्लाह ने फरमाया है कि किस तरह उन्होंने पैगंबर की बात मानने के बाद पैगंबर के साथ हुस्ने मुनासरत किया, उनकी नुसरत की, उनकी मदद की, उनकी बात को माना, उनका साथ दिया, मुश्किलात में उनको छोड़ के नहीं भागे। और किस तरह कुछ लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, उनकी दावत नहीं कबूल की और फिर उसका अंजाम उनके सामने किस तरह आया। नबियों की मदद और नुसरत करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नुसरत से सरफराज फरमाया। हर मुश्किल घड़ी में, हर मुसीबत में अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। और जिन लोगों ने पैगंबरों की बात ठुकराई, उनकी मुखालफत की, इज़ा रसानी की, तो अल्लाह ने पैगंबर की तो नुसरत फरमाई, मदद की, हिफाजत की, लेकिन उनके बागियों को कैफर किरदार तक पहुँचाया, सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि किसी मुकज़्ज़िब, झुटलाने वाली और इनकार करने वाली कौम पर अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने आसमान से पत्थर बरसाए, किसी पर आग के भगोले गिराए गए, किसी को पानी में गरकाब किया गया, किसी को तेज़ हवाओं के ज़रिए उठा पटक कर ख़त्म कर दिया गया, किसी को एक ज़ोरदार कड़क साइका बिजली के जरिए हलाक कर दिया गया। मुख्तलिफ वाक़िआत अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाए। इनके बयान करने का मकसद ही ये है कि ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदऊ कौम जिनकी तरफ वो मबऊस किए गए, यानी उनके दौर से क़यामत तक के इंसान। चूँकि आपने सबको दावत तौहीद और रिसालत व आखिरत दी है, तो इनका तर्ज अमल क्या है? जो जैसा रवैया नबी के साथ इख्तियार करेगा, उसके वास्ते क्या अंजाम है, क्या ठिकाना है, वो पिछली कौमों के अहवाल में आईने की तरह अल्लाह ने सामने रख दिया है। क्योंकि बंदे सब अल्लाह के बंदे हैं और हर नबी नबी है और उसकी दावत अल्लाह की तरफ से दावत है। बंदों का तर्ज अमल क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला शानहू उस पर नज़र फरमाते हैं और करार वाक़ई सज़ा उनको मिलती है या जज़ा मिलती है। इताअत की, फरमाबरदारी की, कहना माना तो जज़ा मिलेगी दुनिया में भी और आखिरत में। मन अमिल सालिहम मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो कोई आमाल सालिहा करे, मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि ईमान वाले हों, तो अल्लाह उनको दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे, खुशगवार ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे और मरने के बाद उनकी कोशिश, उनकी बंदगी, उनकी इबादत, उनकी मेहनत से कहीं ज़्यादा बेहतर अजर अल्लाह उनको अता फ़रमाएगा। बंदा कितना बेहतर बंदगी कर सकता है करे, अल्लाह ताला जितनी बेहतर जज़ा और बदला दे सकता है अल्लाह पाक। जाहिर है कि हम तो क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर से बेहतर दे सकता है। इसलिए अपने से जो हो सका करे बंदा, गफलत न बरते। कुरान नाजिल हो जाने के बाद भी अगर कोई अपनी आखिरत से, अपनी मौत की तैयारी से, अपने रब की रजामंदी से गाफिल है, बेफिक्र है, तो वो सबसे बड़ा बदनसीब है। कुरान नाजिल हो चुका है, नाजिल होकर भी 1400 साल गुजर चुके हैं। तब से अब तक कुरान मौजूद है, महफूज है, हमारे घरों में भी मौजूद है, उसी तरह महफूज है, हमारे बच्चों के सीनों में महफूज है। एक एक लफ्ज, एक एक हरफ, एक एक नुक्ता, जेर, जबर सब महफूज है। हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली थी, भरपूर तरीके पर हिफाजत फरमाई और फरमा रहा है कुरान की हिफाजत। लेकिन यह काहे के लिए महफूज रखा गया है? इसलिए नहीं कि तावीज़ बनाया जाए, इसलिए नहीं कि तबर्रुक के तौर पर रख लिया जाए, इसलिए नहीं कि कौलो करार के वक्त में कसमें खाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए हाथ में लिया जाए, इसलिए नहीं कि जहेज के नुकसान से बचने के लिए जहेज में सबसे पहले कुरान खरीदा जाए और कुरान रखा जाए। इसके लिए नहीं उतारा अल्लाह ने कुरान। ये फायदे अगर मिलते हैं तो ये ज़िम्नी फायदे हैं, जुज़वी फायदे हैं, मकसूद तो नहीं। उतारा काहे के लिए गया है कुरान? उतारा गया है नसीहत हासिल करने के लिए, इबरत लेने के लिए, अपने से पहलों के अहवाल में गौर करके अपना अंजाम तय करने के लिए। मेरा अंजाम क्या है? कुरान में देखेगा, कुरान पढ़ेगा, कुरान समझेगा तो उसे खुद समझ में आएगा। तो खुद का ठिकाना मालूम करने के लिए, खुद का अंजाम जानने के लिए, खुद की पोजीशन और हैसियत मालूम करने के लिए कि अल्लाह की नज़र में मेरा क्या मकाम है, कुरान उतारा गया है। इसी किताब को पढ़ने वाला अपने मर्तबे मकाम को समझ सकता है, इसी किताब का पढ़ने वाला नबियों की मुआफ़क़त कर सकता है, मुखालफत से बच सकता है, क्योंकि मुआफ़क़त का फ़ायदा कुरान में नाजिल किया गया है और मुखालफत के नुकसानात भी बता दिए गए और वाक़यात बयान करके बता दिए गए। और वाक़यात भी ऐसे नहीं जो लोगों ने गढ़ रखे हों, वो वाक़यात नहीं जो कहानियों के तौर पर बना लिए गए हों, बल्कि वो वाक़यात जो इस दुनिया के अंदर वाक़ये की सूरत में रूनुमा हुए, बेआईनी ठीक ठीक अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक़, बिल्कुल ठीक ठीक तौर पर आप बता दीजिए लोगों को आदम के दो बेटों का वाक़या। इसी तरह अल्लाह ने जगह जगह इरशाद फरमाया कि हमने बिल्कुल दो टोक और ठीक ठीक बयान कर दिया है, कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई जानने वाला दुनिया में ऐसा नहीं है जो कुरान के वाक़यात के सही होने का इनकार कर दे। तारीख इसकी गवाह है। आद और समूद और कौम शुएब के वाक़यात अभी मक्का के मुशरिक भूले नहीं थे, जब अल्लाह नाजिल कर रहे थे तब तक उनको मालूम था, अपनी तारीख के हवाले से अपने बड़ों से सुनी हुई बातें उनके सामने थी, उन्हें मालूम था, इसलिए उनमें से किसी ने इनकार भी नहीं किया। ये सब मन गढ़ंत किस्से, इसका इनकार नहीं किया। बाद बदनसीबों ने कहा इन हादा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, ये पिछले लोगों के वाक़यात हैं बस, और पिछले लोगों ही के वाक़यात हैं, लेकिन अगले लोगों के लिए इबरत का नमूना थे, समझने के लिए काफ़ी थे। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मक्के के एक सरदार को कुरान मजीद पढ़कर सुनाया। वो आपसे बात करने के लिए गया था, सबकी तरफ से नुमाइंदा बनकर आपने पूरी बात सुनी, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं किया, रोका नहीं, सुनते ही रहे खामोश। जब उसने अपना सब कुछ आपके सामने रख दिया तो आपने पूछा कि क्या आपकी बात पूरी हो गई, ताकि मैं अब बोलूं। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, अब मैं बोलूंगा, आप सुनिए। तो कहा मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मेरा जवाब सुनिए, और मैं तो किसी का बंदा हूं, खुद नहीं बोलता, जिसका फरमान लेके आया हूं वही सुना देता हूं बस। हज़रत अलैहिस्सलाम ने हामीम सद्दा की आयतें पढ़कर सुना। बस आप पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, और वो मबहूत होकर सुनता रहा, क्योंकि अदीब था, खतीब था, सरदार था, अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं था, काबिल आदमी था। काबिल आदमी जिसको ये गुरूर हो कि मैं बड़े से बड़े काबिल से बात कर सकता हूं, अगर उसको कोई कलाम हैरान कर रहा हो, मबहूत कर रहा हो, सोच में पड़ गया हो, तो फिर उसके नजदीक भी ये कलाम बशर का कलाम नहीं था, बंदों का कलाम नहीं था। इसलिए वो बहुत ध्यान से सुनता रहा, बहुत तवज्जो से, और मुताअस्सिर होता रहा कलाम रब्बानी से। यहां तक कि जब आपने पढ़ा फ़इन आरदू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदिम व समूद। अगर तुम लोग मुंह फेरोगे मेरे नबी जो दावत दे रहे हैं इस दावत से, मेरे नबी की पुकार से, मेरे नबी के बुलावे से, अगर तुम लोग मुंह फेरोगे, रोगरदानी करोगे, सरकशी करोगे, इनकार करोगे, तो फिर मैं डराता हूं तुमको उस अजाब से जो आद व समूद के ऊपर आया था। आद एक कौम है अरबों की, समूद भी एक कौम का। आद की हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम भेजे गए थे और समूद की हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हीं की कौम में से, उन्हीं के कबीले के एक फर्द मबऊस किए गए थे। तो इन्होंने अपने अपने नबियों को झुटलाया। आद ने भी नहीं माना हजरत हूद अलैहिस्सलाम को, शर्मिंदा किया, रुस्वा किया, तकलीफें पहुंचाई, अजियतें दी। सालेह अलैहिस्सलाम को भी समूद ने रुस्वा किया, शर्मिंदा किया, बड़ी बड़ी बातें कही और अपने कौम का उनको सबसे हकीर आदमी करार दिया, जबकि वो कौम के सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, लेकिन उनको सबसे हकीर आदमी करार दिया। अराज़िलुना बादी अर्राई, हमारी कौम के सबसे निचले लोग, नऊज़ुबिल्लाह। और बादी अर्राई बेसमझ, कम अकल नबियों को करार दिया कौम ने। अपने को उनके मुकाबले में बहुत समझदार, बहुत शरफ वाले, इज्जत वाले ये समझना चाहे, बताना चाहे, बताया, रुस्वा किया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने जितनी मोहलत देनी थी उतनी मोहलत दी। आद को भी और समूद को भी मोहलत दी गई। जब अल्लाह ने उनकी ढील खत्म कर दी, पकड़ का इरादा फरमा दिया, तो आद को तो एक हवा मुसल्लत करके हलाक कर दिया गया और समूद को जिब्राइल की एक चीख ने कलेजे फाड़ दिया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह इनका जिक्र किया है। आद का जिक्र किया है, समूद का जिक्र किया है, कौम शुएब का जिक्र किया है, नूह अलैहिस्सलाम के लोगों का जिक्र किया है। अम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्ज़ बिग़ैरिल हक़ व अम्मा समूद फहदैनाहुम फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा। आद को तो हमने नबियों के जरिए करम फरमाया था, रहम फरमाया, एक नबी भेज कर सीधा रास्ता दिखाया। तो फस्तकबरू, उन्होंने तकब्बुर से काम किया। वकालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे भी ताकतवर कोई है, हम सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं, हमें मत छेड़ो, हम जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहने। समूद को भी हमने हिदायत दी थी, लेकिन उन्होंने भटकने को हिदायत के मुकाबले में पसंद कर लिया। फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा, सीधे रास्ते पर चलने के मुकाबले में भटकने को पसंद कर लिया, आंखों के मुकाबले में अंधेपन को पसंद कर लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हवा को हुक्म दिया कि आद को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर है, बहुत नाज है, तो अपनी ताकत उसको बता दे। तो हवा ने आद की कौम पर 7 दिन मुसल्लत रहकर सबको हलाक कर दिया। हवाएं चलती थी, वो खुशी से बाहर निकल के आते थे। तेज हो जाती तो अपने पहाड़ों में तराशे हुए महल्लात में जाकर किवाड़ बंद कर देते। किवाड़ इतने हिलते कि उनकी आवाजों के खौफ से फिर बाहर निकल आते। सरासीमगी में मुब्तला कर दिए गए, हैरान कर दिए गए सब। इसी अंदर बाहर में इस हवा ने उन लोगों को बाहर निकलने पर पछाड़ के पटक के मार दिया। सब हलाक हुए, सब बर्बाद हुए, कोई एक बंदा नहीं बचा। समूद को अल्लाह फरमाते हैं कि हमने एक साइका में हलाक कर فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। कौम सबूत वो गेटेड कम्युनिटी थी, किला बंद थी, पूरी फसील के अंदर उनकी आबादी थी, उसके दरवाजे थे। एक दरवाजे पर आए, मेन गेट पर हजरत जिब्राइल, और उसके 2 चौखटों पर हाथ रखकर सिर्फ बस्ती में एक चीख मारी और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की एक चीख ने पूरी कौम समूद के कलेजे फाड़ के मुंह में आके अटक गए, अपनी जगह से भी हट गए। अब फटे हुए कलेजे मुंह में आके अटक गए और सब हलाक हुए, सब बर्बाद हुए। जो कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है। अल्लाह ने बताया अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा, जिसने इन ताकतवरों को पैदा किया है वो पैदा करने वाला उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। इतनी तो अकल होनी चाहिए थी। अल्लाह ने हलाक किया। हो गए कुछ लोग हज करने गए हुए थे। तारीख बताती है कि जब वो वापस आए समूद की बस्ती में तो उन लोगों ने देखकर कहा ऐसा लगता है कि कभी यहाँ इंसान आबाद थी, सिवाय खंडरों के कुछ नहीं। पानी खुश्क हो गया अल्लाह के गजब से। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबूक की ग़ज़वे के सिलसिले में मुल्क शाम की तरफ सफर कर रहे थे, तो मदीने से शाम जाते हुए रास्ते में आद और समूद की बस्तियां पड़ती थी। हज़रत अलैहिस्सलाम जब इन बस्तियों के करीब पहुंचे तो अपनी चादर से अपने मुंह को छुपा लिया और ढांक लिया। और लोगों से फरमाया सवारियां तेज कर दो, निकल जाओ, अगरचे के सदियां बीत चुकी हैं इनके अजाब पर, लेकिन वो खुदा का अजाब है, आज भी उसका असर हो सकता है, हम लोगों पर ना हो जाए, इसलिए बच के निकलो यहाँ से। चादर को अच्छी तरह लपेट ली, चेहरे को छुपा लिया और तेजी से निकल गए वहां से। कुछ लोगों ने कुओं से पानी ले लिया था, उनका पानी भी फिकवा दिया और कहा यह मुअज़्ज़ब कौम की बस्ती, इनका पानी भी मत लो, उसे भी फेंक दिया। और इस तरह हज़रत अलैहिस्सलाम गुजरे। हज़रत अलैहिस्सलाम जब हज में तशरीफ ले गए मक्के मुकर्रमा, क्योंकि अब तो हिजरत करके मदीना आ गए थे, हज करने मक्का गए, तो वादी मुहस्सब में जहां इब्राहा की हाथियों की फौज पर अल्लाह ने अबाबील से कंकर फेंकवा कर सबको हलाक किया था, बर्बाद किया था, जब वहां से गुजरे तो वहां भी हज़रत अलैहिस्सलाम ने अपने को बहुत तेजी से अलहदा कर दिया, क्योंकि कभी यहां अल्लाह का अजाब आया था। कुरान मजीद हर एक का अंजाम बता रहा है, अच्छा अंजाम भी बुरा अंजाम भी। लेकिन कुरान हम या तो पढ़ते नहीं हैं, या अगर कुरान पढ़ते हैं तो मुफस्सिर बनने के लिए, मुज्तहिद बनने के लिए, मुहक्किक बनने के लिए पढ़ते हैं, इबरत हासिल करने के लिए, सबक लेने के लिए, सबक सीखने के लिए थोड़ा ही पढ़ते हैं। या तो पढ़ते ही नहीं है कुरान, या जिसको पढ़ने की तौफीक हो रही है वो कुरान का शारिह बन रहा है, कुरान का मुफस्सिर बन के बैठ जा रहा है, और चाहे कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन वो बन गया है अब माहिर कुरान। पाकी नापाकी के जरूरी अहकाम से भी बेखबर, तब भी बस अब उसको कुरान मजीद ने कुछ भी बना दिया है, अब उसे परवाह नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, किधर जा रहा हूं। दोनों तबकों का रवैया अल्लाह की किताब के साथ जालिमाना रवैया है। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी जालिम है, जो पढ़ के खुद मुज्तहिद बन रहे हैं वो भी जालिम है। कुरान पढ़ा जाता है मुहक्किक मुफस्सिर बनने के लिए नहीं, कुरान पढ़ा जाता है बंदा बनने के लिए, अब्दियत सीखने के लिए, अल्लाह से डरना सीखने के लिए, नबियों की वफादारी सीखने के लिए, हलाल और हराम पर अपनी जिंदगी को परखने के लिए, इसके लिए कुरान पढ़ा जाता है। उसके बजाय कुरान मजीद में राय जनी करने, अपने ख्यालात का इजहार करने, अल्लाह ताला से मुकाबला करने के वास्ते पढ़ रहे हैं कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जिनको कुरान पढ़ने का शौक है। और अक्सरियत तो कुरान पढ़ना भी नहीं जानती, समझना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ना भी नहीं आता उनको, तो कैसे वो फायदे हासिल होंगे जो सहाबा किराम को कुरान के नुजूल से हासिल हुए थे। ये किताब उतरी तो सहाबा की जिंदगियां बदली। पहले उनको सहाबा थोड़ा ही कहा जाता था, पहले उनको मुशरिकीन कहा जाता था, जाहिलियत के जमाने के लोग कहा जाता था, सहाबा थोड़ी कहा जाता था। सहाबा तो उनका इस्लाम के बाद का नाम है, नबी की सोहबत की वजह से उनको सहाबा कहा जाता था। लेकिन पहले क्या थे वो? पहले मुस्लिम भी नहीं थे, मोमिन भी नहीं थे, मुशरिक थे, मुनाफिक थे, दीन से दूर थे, अल्लाह के मुनकिर थे, नबियों को तकलीफ देने वाले लोग थे। लेकिन जब अल्लाह ने हमारे नबी को नबूवत अता फरमाने के बाद कुरान देना शुरू किया और वो कुरान आप लोगों के सामने रखना शुरू किए, तो इस कुरान ने उन्हीं मुशरिकों को, उन्हीं बुत परस्तों को, उन्हीं खुदा के बागियों को खुदा की इताअत में, फरमाबरदारी में, मोहब्बत में लाकर पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? तो कुरान करीम ने ही पहुंचाया। इसी को अल्लाह ने लोगों के हिदायत का सबब बनाकर उतारा। अब जो कुरान के अंदर मुबहम और मुख्तसर बातें हैं, इशारे हैं, उसकी तफसील हुजूर अलैहिस्सलाम के जरिए से बता दी गई। इस वजह से किताब और सुन्नत के मजमुए को हिदायत कहा गया। ये दोनों मिलाकर हिदायत है, हिदायतनामा है। अगर हमारे पास ये नहीं है तो कैसे हम हिदायत पाएंगे? इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में फरमाया, फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून। भाई, हमें जितनी हिदायत नामे भेजने थे, बंदों की हिदायत के लिए जितने रास्ते दिखाने थे, वो सब हमने दिखा दिए। और ये सबसे आखिरी रास्ता कामिल, अकमल, मुकम्मल सबसे आसान, सबसे शानदार, सबसे मोतबर और अल्लाह के यहाँ मकबूल। अब क़यामत तक के वास्ते ये आखिरी रास्ता भी हमने तुमको दिखा दिया, यानी कुरान उतार दिया। जब ये कुरान हमने उतार दिया तो फिर कुरान के करीब आ जाओ, कुरान को रहनुमा बनाओ, कुरान को अपना इमाम बनाओ तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, नहीं तो नाकाम हो जाओगे। मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह व मन जअलहु वराअहु साक़हु इलन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जिसने कुरान और उसके अहकाम को अपने सामने रखा, इमाम बनाया, तो वह अपनी इमामत में उसको जन्नत तक पहुंचा देगा। और जिसने कुरान और कुरान के अहकाम को अपने पीछे डाल दिया तो वो पीछे से धक्का देके जहन्नम में गिरा देगा ले जाकर। यानी कुरान के कदरदानों को कुरान जन्नत में ले जाएगा और कुरान के नाकदरों को वो जहन्नम में ले जाएगा। इसलिए फबी अय्य हदीस बादहु युमिनून, अब मेरे कुरान उतार देने के बाद भी तुम किस कलाम के इंतजार में हो कि उसके आने के बाद ईमान लाओगे, उसके आने के बाद बंदे बनोगे? किस इंतजार में हो? अब कुछ नहीं आना, यही किताब। फबी अय्य हदीस बाद अल्लाह व आयातिही युमिनून। अब अल्लाह ताला ने कुरान भेज दिया, और किस चीज का इंतजार है, किस बात का तुमको इंतजार है? अल्लाहु नज़्ज़ल अहसन अल हदीस, अल्लाह ताला ने सबसे अच्छी बात नाजिल फरमा दी है, सबसे कीमती कलाम तुम्हारे पास भेज दिया है, अपना कलाम अल्लाह ने तुम्हारे कुलूब पर उतार दिया है। अब और किस चीज का तुमको इंतजार है? लेकिन मुसलमान पता नहीं किस इंतजार में है। हर किताब का पढ़ना गवारा है, कुरान का पढ़ना गवारा नहीं। कुरान करीम पढ़ेंगे, कुरान करीम समझेंगे मोतबर जरियों से, तो दिल की दुनिया बदलेगी, जैसे मक्का के मुशरिकीन बदले, जैसे उमर फारूक की दिल की दुनिया बदली। कुरान ही से तो बदली। तहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, और दिल की दुनिया बदलती चली गई। अब जो कुरान पढ़ चुके, कुरान का एक थोड़ा सा हिस्सा जब पढ़ चुके तो फरमाया कि भाई मुझे भी तो लेके चलो नबी के पास, ताकि मैं भी इस कुरान पर ईमान लाने वालों में शामिल हो जाऊं। बस ये कुरान उमर फारूक की जिंदगी को बदल दिया। ईमान लाए तो सबसे पहले मक्के मुकर्रमा में, हरम में, उनके ईमान लाने के बाद मुसलमानों ने अलल ऐलान नमाज पढ़ी, वरना तो छुप के पढ़ते थे। ऐसा बहादुर जियाला था शहर का। उन्होंने कहा कि ये छुप के क्या है, चलो मैं ठहरता हूं, बस सब मिल के नमाज अदा करेंगे। जब खुदा को माना है तो डरना किससे है? उसकी बंदगी में किसका खौफ है? नहीं डरे किसी से। मगर ये असर हुआ कैसे? कुरान करीम के जरिए। हजरत उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू मूसा अशअरी, मुआद इब्न जबल, अकाबिर सहाबा है, बड़े बड़े दर्जे के सहाबा है, अशरे मुबश्शरा, जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। उनको आप पढ़िए, उनके हालात में भी आपको पता चलेगा मालूम होगा कि उन पर असर कुरान ने किया, कुरान सुन के मुतासिर हुए। उतबा कुरान सुन के गया तो अबू जहल ने सूरत देख के कहा तेरी शक्ल बदल गई है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मोहम्मद का जादू असर कर गया है, चेहरे भी बदले कुरान सुनने के बाद। और दूसरा देखने वाला कह रहा है ये वो वाला चेहरा नहीं है जो जाते वक्त में था, ये कुछ मुतासिर हो गया है, असर ले लिया है। काहे का असर लिया? वही जो कुरान की आयतें हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुनाई थी, एक एक आयत कुरान की एक एक जिंदगी को बदलने के लिए काफी। लेकिन जो कुरान पढ़ेगा, तदब्बर करेगा, नसीहत हासिल करेगा, इबरत कबूल करेगा, उसको होगा फायदा। एक बहुत बड़े यहूदी रिब्बी के बेटे थे, लियोपोल वेज उनका नाम था, कनाडा के थे, बहुत तालीम याफ्ता काबिल नौजवान थे। उनका बाप यहूदी आलिम था, अपने बच्चे को सारे वक्त के मज़ाहिब पढ़ाए, सब आसमानी किताबें पढ़ाई, कुरान भी पढ़ाया, सब सिखाया। लेकिन जैसे असरी तालीम गाहों का असर होता है, उनके ऊपर भी हुआ। एजुकेशन कंप्लीट करने तक मजहबी रंग खत्म हो गया, मजहब से दिलचस्पी कुछ नहीं रही। बाप अपनी जगह बिठाना चाहता था, लेकिन उसने कह दिया कि भाई मुझे दिलचस्पी नहीं है वो, आप अपनी बंदगी कर जाओ, मुझे कुछ दुनियादारी करना है, दुनिया में रहना है, आपकी तरह मुझे नहीं जिंदगी गुजारनी। तो छोड़ देना पड़ा बाप को। वो यहाँ वहाँ काम करते रहे, कनाडा के एक बहुत बड़े अखबार के रिपोर्टर बन गए, शादी की बीवी भी रिपोर्टर थी, दोनों मिलकर उस अखबार के लिए दुनिया भर में घूमते थे और दुनिया भर से न्यूज़ फराहम करते थे। इन लोगों को तबादला कर दिया गया मशरिक़ वस्ता की रिपोर्टिंग के लिए, मिडिल ईस्ट की, अरब कंट्रीज में जाओ, वहां की खबरें भेजो वहां से। ये अरबी जुबान से भी वाकिफ थे, अबरानी जुबान से भी वाकिफ थे, क्योंकि बाप ने एक मजहबी पेशवा बनाने के लिए सब कुछ सिखाया था। लेकिन कॉलेज कल्चर की असर से उनको मजहबी बनना नहीं था, इसलिए उसने मजहबी बनने से इनकार किया। वहां रहने लगे, मिस्र में रहते थे, मिस्र से रिपोर्टिंग करते थे। एक मर्तबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, मुसलमानों से सख्त नफरत थी, और चूंकि खुद पहुंच रहते थे और वो गरीब उस दौर का अरब था, वो जब गुर्बत की वजह से उन लोगों की हालत निहायत खस्ता थी। इसलिए और भी ज्यादा चिढ़ते थे, साथ में बैठने से, बात करने से, उनकी दुकानों से कुछ खाने पीने से, हर चीज से उनको चिढ़ थी। उनका बयान यह है कि एक दफे मैं यूरोप में सफर कर रहा था एलिया के साथ, बीवी के साथ, ट्रेन में। हम फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे, जितने भी लोग थे उसमें सब मालदार रईस लोग थे, अमीर कबीर। उनके साथ टिफिन थे, उनके साथ खाना था, उनके साथ आइसक्रीम थी, उनके साथ हर पसंद की चीज मौजूद थी। तफरीही सफर कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं थी उन लोगों के पास। लेकिन कहते कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि देखो इन लोगों के पास वो सब कुछ है जो लोग चाहते हैं। एक दुनियादार आदमी क्या क्या चाहता है? अच्छे कपड़े, अच्छी सवारी, अच्छा खाना, ख्वाहिशात पूरे होना, बाल बच्चे और उनकी तमन्नाएं, उमंगे सब निकलती रहे। क्या चाहता है एक इंसान, दुनियादार इंसान? जो जो चाहता है इन लोगों को मुयस्सर है। पूरे डब्बे वालों को ये सब चीजें मुयस्सर हैं, सब नजर आ रही हैं आंखों को। इनके कपड़े देखो, इनका जेवर देखो, इनके माल देखो, इनका पैसा देखो, इनका खाना पीना, खुशहाली और फराखी, सब कुछ तो है इनके पास। और इतना सब कुछ होने के बाद इनके चेहरों पर सुकून नजर नहीं आता। सुकून क्यों नहीं है इनके चेहरों पर? बस जो चाहते थे मिल गया ना, और जब सब कुछ मिल गया तो अब तो सुकून होना चाहिए, खुशी और मसरत होनी चाहिए, लेकिन देखो इनके चेहरों से तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ये उदास चेहरे हैं जिनमें खुशी नाम की कोई चीज नहीं। क्या वजह होगी आखिर? तो बीवी ने कहा मैं भी ऐसा ही महसूस कर रही हूं, लेकिन इसका जवाब मेरे पास भी नहीं, कुछ मुझे भी नहीं समझ में आता कि भाई इस हाल में तो लोगों को खुश रहना चाहिए, इस हाल में ये क्या इनके चेहरों के ऊपर उदासी है, मायूसी है, समझ में मेरे भी नहीं आया। दोनों को मजहब से ताल्लुक था, मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे, कुछ ना कुछ उन्होंने बचपन से अपने बड़ों से पाया, रूहानियत को जाना था। ये और बात है कि अपनी तालीम ने दूसरी तरफ कर दिया था उन लोगों को, तो इन बातों का उनके पास एहसास था। उन्होंने महसूस किया, सवाल उठाया, जवाब न शोहर के पास था न बीवी के पास। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, घर पहुंचेंगे, हमारे पास मजहबी किताबें हैं, मजहबी किताबों में जवाब तलाश कर। ये लोग घर पहुंचे, तौरात पढ़ी तो कोई जवाब समझ में नहीं आया, इंजील पढ़ी कोई जवाब समझ में नहीं आया, और जो भी इनके पास लिटरेचर था सब देखते रहे, ढूंढते रहे, नहीं समझ में आया। एक दिन शौहर ने बीवी से कहा कि देखो हर जगह हमने अपने सवाल का जवाब ढूंढा है, नहीं मिला, हमारा डाउट कहीं क्लियर नहीं हो रहा है। एक किताब रह गई है, वो कुरान करीम है, इस किताब में भी देख ले हम क्या है। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर कुरान लाके रखा और ये तय किया कि आंख बंद करके खोलेंगे, नजर जहां पड़ेगी वहां देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कुरान भी तो एक बड़ी किताब है। इसलिए उन लोगों ने ला करके आंख बंद करके कुरान मजीद खोला, आंख खोल के जैसे ही देखा तो अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता जुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। लग़वियात में, फजूलियात में, बेकार कामों में डाल दिया है लोगों को, उनके माल की बहुतात। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम लोगों को गफलत में डाला है, बेकारी में डाला है, फजूलियात में मुब्तला कर दिया है, आखिरत के एहसास से महरूम कर दिया है, तुम्हारे माल की ज्यादती है। अत्तकासुर, बहुत माल ने तुम्हारे बहुत माल ने तुम्हें गफलत में डाल दिया है, यहां तक के तुम कब्र तक पहुंच जाओगे, कब्र की जियारत करोगे, यानी मौत का फरिश्ता आएगा और दिखा देगा सब चलना है यहां पर, अब यानी दुनिया में रहना है, इधर चलना है। कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, हरगिज नहीं, अनकरीब पता चल जाएगा अपनी गफलतों के अंजाम का, फिर अनकरीब पता चल जाएगा इस खुदा बेजारी, दीन बेजारी, दीन से दूरी का पता चल जाएगा। वक्त आने वाला है, आने वाले वक्त में सबको पता चलेगा। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, यकीन के दर्जे का इल्म हासिल होगा। लतरवुन्नल जहीम, जबकि तुम जहन्नम को देख लोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर तुम उसको यकीन की निगाहों से देख लोगे। सुम्मा लतुस्अलुन्न यौम इज़िन अनिन नईम, फिर ये नेमतें तो बहुत हैं लेकिन उस दिन एक एक नेमत का हिसाब लेंगे और एक एक नेमत के बारे में पूछेंगे तुमसे। इस सूरत को पढ़ने ने उनके दिल की दुनिया बदल दी। वो बाद में दोनों मुसलमान हुए, मियाँ बीवी, और भी कुछ धीरे धीरे अल्लाह ताला की तरफ से हालात ऐसे सामने आते रहे, कुछ तजुर्बात होते रहे, लेकिन ये पहला मौका था जिसके बारे में मोहम्मद असद, उनका इस्लामी नाम मोहम्मद असद है, मोहम्मद असद का कहना है ये बीज था जो अल्लाह ने मेरे दिल में ईमान का डाला था। कहाँ से डाला? कुरान करीम से डाला। कुरान की एक छोटी सी सूरत अपने जहन के सवाल का जवाब दे रही है और इस कदर इत्मीनान बख्श जवाब दे रही है कि जो जिंदगी भर का यहूदी जोड़ा था अब वो अल्लाह का मुवाहिद और नबी का वफादार जोड़ा बन गया। इतना इत्मीनान बख्श जवाब कुरान दे रहा है। लेकिन एक यहूदी कुरान पढ़े और ईमान का बीज उसके दिल में जम जाए, और एक मुसलमान कुरान पढ़े और कुरान ही को लेकर गुमराही की दावत देना शुरू कर दे, गुमराह होने लगे। क्या फर्क है? उन्होंने कुरान अपनी हिदायत के लिए पढ़ा था, और आप कुरान मजीद पहले तो पढ़ना ही नहीं चाहते, और जब पढ़ते हैं तो अपनी हिदायत के लिए नहीं पढ़ते बल्कि दूसरों की हिदायत के लिए पढ़ते। अपनी हिदायत के लिए कौन पढ़ रहा है कि मुझे नसीहत हो जाए, मुझे इबरत हो जाए, मैं मुसलमान सच्चा बन जाऊं, मैं अल्लाह रसूल का फरमाबरदार बन जाऊं, मैं कुरान पर जिंदगी गुजारने वाला बन जाऊं। अपनी हिदायत की फिक्र नहीं है। इस वजह से इस मजलूम कुरान की आहों ने आज हमें एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा किया हुआ है जहां हमारे दीन का भी कोई पुरसान हाल नहीं, हमारी दुनिया का भी कोई पुरसान हाल। आए दिन दीन पर हमले हो रहे हैं, आए दिन फितने खड़े हो रहे हैं, आए दिन नित नई दावतें सामने आती जा रही हैं, और लोग भटकते जा रहे हैं। इस दौर में हिदायत पाने वालों का तनासुब गुमराह होने वालों के तनासुब से बहुत कम हो गया है। अच्छे खासे हिदायत माब लोग, अच्छे खासे सही अकीदे पर कायम लोग आज इधर गिर रहा, कोई उधर गिर रहा, कोई उधर गिर रहा, कोई उधर गिर रहा। सिराते मुस्तकीम छूट गई, कुरान की डगर छूटती जा रही है, फिसल के इधर गया, इधर फिसल के इधर गया, वो फिसल के उधर, वो फिसल के उधर। रोज नजर आ रहा है, रोज लोगों के हालात सामने आ रहे हैं। देखने तक भटक रहे हैं, देखने तक गुमराह हो रहे हैं। अच्छे अच्छे घरानों के लोग, हिदायत पाने का तनासुब गुमराह होने का तनासुब से कम हो गया है इस दौर में। इस्लाम ने कितने लोगों को बढ़ाया, कितने नए मुसलमान दाखिल हो रहे हैं हर महीना इस्लाम के अंदर, और कितने मुसलमान मुख्तलिफ फिरकों के शिकार होकर इस्लाम से निकलते जा रहे हैं। ईसाइयत मेहनत कर रही है, यहूदियत मेहनत कर रही है, अगरचे के यहूदी नस्ली मजहब रखते हैं इसलिए किसी को यहूदी नहीं बनाते, लेकिन मुसलमान ना रहने पर मेहनत कर रहे हैं। किसी को भी वो कलमा पढ़ाकर अपना यहूदियों में नहीं लेंगे, क्योंकि यहूदी नस्ली मजहब समझते हैं कि वो सिर्फ उनके खानदान वाले ही, उनका खून जो है वही यहूदी हो सकता है, कोई दूसरा यहूदी नहीं हो सकता। लेकिन ईसाई नस्ली मजहब नहीं समझते, अपने दीन को आलमी और दावत का मजहब समझते, इसलिए वो हर किसी को दावत देते हैं। जो मान लेता है अपने समाज में ले लेते हैं, अपने अकीदे में ले लेते हैं, जो भी मान लेता है उनकी बात। कादियानी मुर्तद है, वो अपना काम कर रहे हैं। गोहर शाही मुर्तद है, वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छे खासे लोगों के घर के बच्चे, बुजुर्ग लोग, औरतें, जवान उनके जिक्र के हलकों में जाकर अपना ईमान दे रहे हैं। ईमान देना जो उनके साथ मिलेगा वो इस्लाम से निकल कर ही मिलेगा, इस्लाम में रहकर नहीं मिल सकता। ये यूनुस गौहर शाह जगह जगह मुस्लिम महलों में घुस के इनके लोग जिक्र के हलके लगा रहे और लोग ज़ौक़ शौक़ से जा रहे हैं। चोरी छुपे रातों में 2-2 बजे 3-3 बजे तक पहले कुछ जिक्र हो रहा है, उस जिक्र के बाद जिक्र भी मुशरिकाना हो रहा है और उस जिक्र के बाद फिर वो दिमाग खराब करने के लिए थोड़ी देर उन लोगों से तबादला ख्याल करना। यूं कितने लोग हैं, अच्छे खासे मुसलमान भटक रहे हैं। हमें क्या पता, हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं, इस वजह से हम समझ रहे हैं कि सब मुसलमान दुनिया में महफूज है। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में जितने गुंजलक मुस्लिम आबादियां हैं उतने फिरके वहां पर मौजूद हैं, उतना उन लोगों को गुमराही में एक से एक। तो लाख कितने लोगों को इस्लाम में रहे हैं हम, और तो जा कितने लोग रहे हैं इस्लाम में। फिर अल्लाह का आजाब ना आवे तो क्या आवे मुसलमान कौम के ऊपर। ये सब इस वजह से कि हमने कुरान को छोड़ दिया। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़। क्या लोगों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया है, आन वक्त को कहते हैं। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान के लिए क्या अभी वक्त नहीं आया है, अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़, उनके कुलूब अल्लाह के जिक्र और कुरान के जरिए से आजिज बन जाए, फरमाबरदार बन जाए। इसका वक्त नहीं आया मुसलमानों के लिए। ये अल्लाह काफिरों मुशरिकों की बात नहीं कर रहे, ईमान वालों की बात कर रहे। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए हैं और गफलतों में पड़े हुए हैं और गुनाहों में मस्त मगन हैं, अल्लाह से दूर हैं, नबी से दूर हैं, कुरान से दूर हैं। क्या ऐसे ईमान वाले, कोई घड़ी आएगी, कोई वक्त आएगा जब इनके कुलूब, इनके दिल अल्लाह को याद करके, उसकी अज़मत को सोच करके और जो कुछ कुरान में अल्लाह ने नाजिल किया उससे मुतासिर होकर के नरम पड़ जाएं, सरकशी से बाज आ जाएं, गुनाहों से डर जाएं, अल्लाह ताला का एहतराम महसूस करें अपने दिल में। वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्ल, और ऐसे ना हो जाएं जैसे उनसे पहले लोगों को किताब दी गई थी, तौरात दी गई थी, इंजील दी गई थी और सहीफे दिए गए थे। फताल अलैहिमुल अमद फक़सत क़ुलूबुहुम, उन लोगों की दुनिया परस्ती, गफलत, बेहिसी बढ़ती चली गई ता आके उनके दिल सख्त हो गए, पत्थर हो गए। वकसीरुम मिनहुम फासिकून, और उनकी अक्सरियत नाफरमान। अल्लाह फरमाने क्या मोमिन कुरान पढ़ के बदल जाएंगे कबल इसके कि मेरा अजाब आए, मेरा कुरान पढ़कर। मानज़ल मिनल हक, जो हक बातें मैंने उतारी हैं नबी के सीने पर, जिसको कुरान कहा जाता है और जिनको सुन्नत कहा जाता है, जो नबी के ही सीने पर उतारे गए हैं, इनको पढ़कर और अल्लाह को याद करके बदलेंगे मुसलमान। अल्लाह फरमा रहे अब भी नहीं टाइम आया। कम से कम हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान में आए हालात को सामने रखकर जो एक तरफा सूरत हाल चल रही है, जहां एक ऐसा आइन था जिसकी पूरी दुनिया में फख्र, जिस पर फख्र किया जाता था, आज वो जमहूरी आइन खुद जमहूरियत के लिए तरस रहा है। आज इस मुल्क के अंदर कमजोर तबके मजलूम बना दिए गए हैं। जिस मुल्क के अंदर मुसलमानों को निशाना बना बनाकर आए दिन सुबह शाम ये दिखाया जा रहा है कि तुम्हारा कोई नहीं है, हमारे पीछे ताकतें हैं, हमको बचाने वाले हैं, तुमको कोई बचाने वाला नहीं। ये दिखाया जा रहा है, ये निडरपन दिखाया जा रहा है, ये जुल्म दिखाया जा रहा है। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या इतने हालात देख कर भी और इसमें इजाफों को देखते हुए भी और साफ कही जाने वाली बातें, बयानात जिम्मेदारों के, हुक्मरानों की स्पीचेस हमारे सामने जो आ रहे हैं, उन स्पीच से नहीं समझ में आ रहा है कि आपको मक्तल की तरफ ले जाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, लेकिन जब बंदे खुदा से दूर हो जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। कहते हैं सांप डस लेता है तो खारी चीजें मीठी नजर आती हैं, मीठी खारी लगती है जुबान पर। मिर्ची खिलाओ तो आराम से खा लेता है, मीठा खिलाओ तो कुछ नहीं समझ में आता। क्यों? इस वास्ते के खून में जहर मिल गया है और इसकी वजह से जुबान का जायका बदल गया। आज मुसलमानों की जिंदगियों में, ईमान में, रूहानियत में कसरत मासी और गुनाहों की वजह से इतना जहर घुल गया है कि हमें अच्छी बातें बुरी लग रही हो, बुरी बातें अच्छी लग रही हैं। कोई दावत दे फिल्म देखने की, शौक से चले जाएं, कोई दावत दे मस्जिद चलने की तो हीले बहाने दे, कोई दावत दे हराम खाने के लिए तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएं, और कोई हराम से बचने और हलाल की दावत दे तो टूटा करते रहे। क्यों? सांप ने डस लिया है, हमारी रूहानियत को हमारे नफ्स ने डस दिया है। इतना डस दिया है कि अब नेकी बदी लगती है, बदी नेकी लगती है। नहीं समझ में आ रहा है, हालात भी नहीं समझा पा रहे हैं। अल्लाह हालात झिझोड़ने के लिए भेजता है कि मेरे ईमान वाले बंदे कुछ जरा चमक जाएं और चमक के सही हो जाएं, फिर मैं दुनिया को उनकी औकात बता दूंगा और ईमान वालों का मकाम बता दूंगा। लेकिन ईमान वालों को फिक्र भी तो नहीं है अपनी, ईमान वालों को एहसास भी तो नहीं है किस दर्द से कहा था कहने वाले ने कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वो कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। पूरा काफिला लुटकर निहत्ता कर दिया गया, जिस्म के कपड़े भी उतार लिए गए, सवारियां भी छीन ली गई, सहराओं में भटक के मरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन जरा भी गम नहीं हुआ कि क्या हुआ। ये हालत आज मुसलमानों की हुई, कुछ गम नहीं है कि क्या हो रहा है। हो रहा होगा तो हो रहा होगा, क्या करना है हमको, हमारे साथ तो नहीं हो रहा है, इसलिए हमें क्या फिक्र करना। जब हमारे सर पे मुसीबत आएगी तो सोचा जाएगा। ये सूरत हाल इस वक्त हमारी है। क्यों है? दुनिया की जिंदगी की मोहब्बत की वजह से। तो अल्लाह आगे फरमा रहे हैं, इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लईबुं व लहवुं व जीनतुं व तफाखुरुं बैनकुम व तकासुरुं फिल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन अअजबल कुफ्फार नबातुहु थुम्मा यहीजु फतराहु मुसफररन थुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिन अल्लाहि व रिदवान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह फरमा रहे हैं, लोगों, मेरे बंदो, ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन, खेलकूद है। वजीनतुन सिर्फ जाहिरी चमक दमक है। वतफाखुरुम बैनकुम आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करने का जरिया है। वतकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद माल को और फैमिली को बढ़ाने इसका जरिया है। लेकिन दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे अल्लाह ने बारिश बरसाई और खेत सब लहलहाने लगे और खेतों पर गल्ला आ गया। आजबल कुफ्फार नबातुहु काश्तकारों को अपनी खेतियों ने खुश कर दिया और नशे में मुब्तला कर दिया। सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि ढलकेगी और तुम इस पूरी खेती को पीली देखोगे। अभी हरी भरी थी, अभी पीली घास पड़ी। सुम्मा यकूनु हुतामा फिर उसको हम ऐसी घास फूस बना देंगे कि जानवरों का चारा बन जाए। सुनो मेरे बंदो, आखिरत असल है और वहां दो ही चीजें हैं। अदाबुन शदीद मगफिरतुम मिन अल्लाह व रिज़वान, या इधर जाना है या इधर जाना है। अजाब शदीद में मुब्तला होना है या अल्लाह की बख्शिश, उसकी मगफिरत, उसकी चाहत, इसको पाना है। दो ही चीजें हैं आखिरत के अंदर और वही हमेशा की जिंदगी है, वही अबदी दुनिया है। ये नहीं है ये दुनिया क्या है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो भाई धोखे का सामान है। इस धोखे में मत उलझो, आखिरत की फिक्र करो। आखिरत की फिक्र करनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। जिंदगी एक दिन गुजरनी है जरूर, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। अल्लाह हम सबको संगदिली, कसावत कल्बी और बेएहसासी के आजाब से निकाल कर एहसासमंद बंदे बना ले और हमारे कुलूब में खुशूअ पैदा फरमा दे। और हम इससे ज्यादा ताखीर ना करें। हमें कुरान से सबक लेने का वक्त आ गया है। हम उससे इबरत हासिल करें, ताकत हासिल करें और सही राह पर कायम हो जाएं। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।